संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा काग्रिये नीलगंधा अति ज्योतिमा प्रकाशम लतो मस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम लीक्षति लीड्गर्च्छति पवित्रम गंगा जलम स्नानम अति पवित्रम चतुर्ब्राह्मणसंयोगितम महा सुभान अल्लाह का ए लोगो अगर तुम चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि तेरा परवरदिगार तुझसे खुश हो जाए तो अंतिम महर्षि जगत का गुरु कल के अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो सत्य मार्ग तुम्हें बताए हैं जो सीधा रास्ता तुम्हें बताया है उस रास्ते पर चलो और उनके कहे को मान लो। सीधी सादी जबान में समाप्त कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कुछ तुम्हें बताया है उनकी बातों को मान लो। जिन चीजों को हराम करार दिया उसको हराम जानो, जिनको हलाल करार दिया उनको हलाल समझो, है ना। इन चीजों को मान लो। मैंने कहा मान लिया, मोहम्मद को भी मान लिया, उनके आदेश का भी पालन कर लिया। कहा अब हो गए ईमान वाले, कहा अभी कहाँ हुए। मोहम्मद को माना है साथ में आदम को भी मानना होगा। मोहम्मद को माना है नूह को भी मानना होगा। मोहम्मद को माना है या सकरिया को भी मानना होगा। मोहम्मद को माना है याकूब और यूसुफ को भी मानना होगा। मोहम्मद को माना है इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी मानना होगा। मोहम्मद को माना है 1,24,000 को भी मानना होगा। जिनके ख्याल में बैठे हैं, जिनके प्रेम भावना में, जिनकी मोहब्बत में आपने इस महफिल को सजाया, आइए उस बारगाह में। इन सबको मान लिया, तमाम पैगंबर को मान लिया, सहाबा को मान लिया, खुलफा को मान लिया। अब इंद्रम मित्रम, अब अल्लाह के जो लोग दोस्त हैं उनसे तुम भी दोस्ती कर लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दोस्त खोल लो। अल्लाह ने अपने महबूबीन बंदे को अपना वली कहा, दोस्त कहा। अब कहा जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं उनको मान लो, यानी अल्लाह के वली को मान लो। समस्तीपुर में जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं उनको मान लो। जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं इनको मान लो। ज़करिया शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं इनको मान लो। विश्वासपुर वालों ने संपूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने इनको भी मान लिया। मान लिया फायदा क्या हो, मान लिया अब फायदा क्या होगा। तो कहा इंद्रम मित्रम पूरवम गुरुद्वालम, कहा जब इनसे तुम दोस्ती कर लोगे, इनको मान लोगे, तो फिर ये क्या करेंगे, तुम्हारी कलाई को पकड़ेंगे गुरुद्वालम, बल्कि तुम्हारी कमलाई को पकड़ कर फटके हुए रास्ते से सत्य मार्ग की तरफ से अल्लाह के मुकद्दस घर की हाजिरी करा दें, पहुंचा देंगे। अब जब आप मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद में क्या होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, डीजे बजेगा, नाच होगा, गाना होगा, तबले बजेंगे। मस्जिद में जाने के बाद क्या होगा, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। का इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह से दोस्ती कर लो, ज़करिया शाह रहमतुल्लाह अलैह से दोस्ती कर लो। इसका फायदा परिणाम क्या होगा, ये तुम्हारे हाथों को पकड़ेंगे, पकड़ कर गुरुद्वारम अल्लाह के घर में ले जाएंगे। और वहां जब तुम जाओगे अंत आत्मा परावे शांति पराशा पूर्ति मपास्ते, जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हृदय को शांति मिल जाएगा। मैंने कुरान की आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है।
तख्त आत्मा पर आवे शांति। जब मस्जिद चले जाओगे, अल्लाह की इबादत करोगे, तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाए। अब जा, अल्लाह के वली से दोस्ती कर, ये तुम्हारी कलाई को पकड़ कर अल्लाह के घर में ले जाएंगे, अल्लाह की इबादत करवा देंगे। अल्लाह की इबादत करने लगोगे तो फिर होगा क्या, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। हर आदमी दुनिया में बेचैन है, जो एक करोड़ जो जितना कमाता है उतना बेचैन है, है कि नहीं है? जो जितना कमाता है उतना बेचैन है कि नहीं है? एक गरीब जब 8 घंटे ईंटा ढो के आता है, एक गरीब जब 6 घंटे मिट्टी काट के आता है, एक घंटे जब एक गरीब जब 12 घंटे रिक्शे चला के आता है, एक गरीब जब 8 घंटे मसाला ईंट की चुनाई करके आता है, एक गरीब जब चौपानी नहीं बनती मकई की रोटी, गेहूं की रोटी, आलू की भाजी या फिर आम की चटनी, लहसुन की चटनी खा लेता है, शिकम पर पानी पी लेता है, खटिया बिछा लेता है, सो जाता है, फौरन नींद आ जाती है। लेकिन एक करोड़पति से पूछो, जब तक नींद की गोली नहीं खाता उसे नींद तक नहीं। गरीबी पर अंतर पर नाज करो, अपनी गरीबी पर नाज करो। रब ने फरमाया, जो मेरे दिल में थोड़े रिश्ते पर राजी हो गया, मैं उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के थोड़े रिस्क पर राजी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा। खुदारा, अपनी गुर्बत को कभी ना कोसा करे, अपनी गुर्बत को कभी बुरा भला ना कहा करे, अपनी गुर्बत पर नाज करे कि अल्लाह ने अगर मुझे यहाँ गरीबी अता फरमाया तो हम नमाज पढ़ा करें, रोजा रखा करें, ताकि हमारी यहाँ की खेती अगर खुशहाल नहीं रही तो फिर जन्नत की खेती हमारी सैराब जरूर हो जाए। अल्लाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस बज़्म पाक में मैंने जितनी बातें कहा है, अभी 3 बजने को चला, थोड़ी थोड़ी जगह लेता हूँ अपनी। इंशाल्लाह फिर कभी आपके इस प्रेम की नगरी में आने का सौभाग्य हुआ, इंशाल्लाह फिर हमारी गुफ्तगू होगी। जिस मकसद से हमें बोलना था, अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गान दीन का फैजान हम तमामी के सरों पर, घरों पर भी जारी व सारी फरमाए। अल्लाह के मुकद्दस वलियों के फैजान से हम तमामी के घरों को, सरों को, हमारे बाल बच्चों को सैराब फरमाए। एक शेर कलाम देते हैं मोहब्बत के साथ, आप समाप्त कर लीजिए, एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। के काश गुंबदे खजरा देखने को मिले जाता। हमारे साथ मामला है कि कयामगाह से ही हम मूड बना के आते हैं कि इतना देर बोलना है। हमारे बुजुर्गों बरतर गुलाम शहीद आजम साहब का हुक्म हुआ था कि 1.5 घंटा आपको तकरीर करना है, आप मोबाइल खोलिए, हमारा वक्त देखिए 1.5 घंटा से पार हो रहा है। मैंने पूरा मन बना के आता 1.5 घंटा तकरीर करूंगा, 1.5 घंटा मेरा पूरा तामील हो गई है। अब शेर सुन लीजिए, मैं बैठता हूँ, अगर 2 घंटा कह देते तो मैं उस हिसाब से मन बना लेता, इंशाल्लाह 2 घंटे की तकरीर हो जाती। हालांकि 2 घंटा अभी तक इरशाद भाई कहीं रिकॉर्ड किए हैं आप, 2 घंटा अभी तक हमारी तकरीर नहीं हुई है, 1 घंटा 1.25 घंटा मैं तकरीर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि 1.5 घंटा बढ़ जा रहा हूँ। शेर समाप्त कर लें उसके बाद बैठता हूँ। काश गुंबदे खजरा देखने को मिले जाता और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके
चाहती जिंदगी मदीने में के मौत ले के आ जाते जिंदगी मदीने में अरे जिंदगी मदीने में तो मौत मौत से गले लग कर अरे जिंदगी से मिल जाता मौत से गले मिल कर जिंदगी से मिल जाता। और एक शेर अकीदत का हुजूर महबूब शाह जहांगीर सखा का शोर सुन कर सखा का शोर सुन कर हाजिर दर बार आए सखी से सखा बना है मोहब्बतों के साथ आप समाप्त कर लीजिए कि कितना सखी दरबार है जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का कि इतने सारे दीवाने को रात भर बिठाए हुए हैं। ये उनका करम है कि आप बैठे हुए हैं इनका गलबा नहीं आया है। सखा का शोर सुन कर हाजिर दरबार आए जाए करम की भी कि मिल जाए तेरे दरबार आए हैं करम की भी कि मिल जाए तेरे दरबार आए इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी जबान से कहा है उन तमाम बातों पर पहले पहल जो नसीहत आमेज बातें हुई हो उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज को अमल की तौफीक अता फरमा। बाद में तमाम सामईन हाजरीन नाजरीन खवातीन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला कायनात की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे कहने में सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की लफ्जशात हुई हो तो अपने खास फजल व करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तगफार पढ़ते हैं आप भी हमारे साथ पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। सारा मजमा सारे लोग एक मर्तबा खड़े हो जाएं। रात का आखिरी पहर है मैं एक दुआ कर रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल फरमा ले। आगे की जो कुर्सियां हैं उसको भरिए सब लोग मिलकर खड़ा होइए। आज यही वजह है जो हम काटे जा रहे हैं हम पीटे जा रहे हैं हम लूटे जा रहे हैं। हमने एकता तोड़ दिया है एक रहिए एकत्रित रहिए। जहाँ की जगह यहाँ की दो कुर्सियाँ खाली आ जाइए आप आगे आ जाइए पीछे की कुर्सियों को पीछे रहना छोड़ दो। मुसलमानों तुम पीछे रहने के लिए नहीं आए हो। पर्दे में औरतें रहा करती हैं मर्द जो होता है मैदान में आया करता है। ये दो कुर्सी खाली आ जाइए भाई साहब आ जाइए यहाँ दो कुर्सी खाली आइए। मर्द मैदान में हुआ करता है औरतें घर में रहा करती हैं। मर्द सामने मैदान में आए अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग गुलामी का सबूत पेश करें अपने हाथों को बुलंद करें। और यह हदीस मुस्तफा है सरकार ने ईमान का जायजा लेने के लिए अपने गुलामों से कहा था हाथों को बुलंद करके कलमा तैयबा पढ़ो। इसलिए मैं आज रात का आखिरी पहर है हम भी गुलामी का सबूत पेश करें अपने हाथों को बुलंद करें और घर में इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन करें। सब लोग हाथों को उठाकर पढ़ ले कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके पास जो कुर्सियां हैं वही बैठ जाए, नाथानी समाप्त करे, महफिल का इख्तिताम होगा, सलात व सलाम हो गई, रात का आखिरी पारे मकबूलियत का वक्त है, दुआ खानी होगी, दुआ खानी में जरूर शामिल रहे, रात भर का मेहनत वसूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चलते चलाते दुआ है मौला इन तमामी के दिलों में उलमाए कलाम की बेपनाह मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह सबके रिस्क में, माल में, अमवाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मकान, दुकान, खेत खलिहान में खूब बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भाई हमारे बेरोजगार हैं उन्हें उनके रोज उन्हें हलाल रिस्क अता फरमा। जो रोजगार है उनके रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग भटके हुए हैं उन्हें हिदायत सिरात मुस्तकीम अता फरमा। असहाब नबी का था ईमान चकाचक, उस शाक नबी बूसरो सलमान चकाचक, घर सीरत सरवर पे अमल पैरा हो भी तो हो जाएगा भी मुसलमान चकाचक।